ग्रीन और हेल्दी इंदौर के संदेश के साथ रविवार को शहर में जियो इंदौर मैराथन की शुरुआत हुई। 5, 10 और 21 किलोमीटर तीन श्रेणियों में हुई मैराथन में 15,000 से अधिक धावक दौड़े। इसमें देश विदेश के करीब 200 धावकों ने हिस्सा लिया। 5 किलोमीटर की रेस राजवाड़ा से नेहरू स्टेडियम तक हुई। 10 और 21 किलोमीटर की रेस नेहरू स्टेडियम से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः वहीं खत्म हुई। एकेडमी ऑफ इंदौर मैराथनर्स द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने स्टेडियम में मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि यह मैराथन हर साल होगी। सारे रनर्स, पहला हमारा खेप निकल चुका है और वो 21 किलोमीटर का। दूसरा बहुत बड़ा ग्रुप है, लगभग 5,000 लोगों का। ये 10 किलोमीटर का ग्रुप है, 10 किलोमीटर दौड़ेगा और इसके बाद 9 बजे राजवाड़े से 5 किलोमीटर वाला सीनियर सिटीज़न और बच्चे उसमें दौड़ेंगे। कुल मिलाकर स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, शहर के प्रति जागरूकता और इंदौर का यह ऐतिहासिक कार्यक्रम है। देश में मैराथन होता है, जो अभी तक जितने भी मैराथन हुए, इंदौर ने बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा है कि पहली बार में 15,000 से ज़्यादा लोग एक साथ दौड़ रहे हैं इंदौर के लिए, और हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। एकेडमी ऑफ इंदौर मैराथनर्स के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण अग्रवाल ने कहा कि मैराथन में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी था। सभी धावकों को टी शर्ट पर रजिस्ट्रेशन के समय दिए गए बिप को लगाना अनिवार्य था। मैराथन में देश प्रदेश की कई बड़ी हस्तियों ने शिरकत की। लोकसभा स्पीकर व सांसद सुमित्रा महाजन, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस रमेश गर्ग, कमिश्नर संजय दुबे, कलेक्टर आकाश त्रिपाठी सहित कई प्रशासनिक व राजनीति से जुड़े लोग भी इसमें शामिल हुए। मैराथन में शामिल कलेक्टर आकाश त्रिपाठी व डीआईजी राकेश गुप्ता ने ग्रीन, क्लीन और हेल्दी इंदौर के लिए लोगों को अवेयर रहने की बात कही है। 2015 के लिए क्या संदेश है? देखिए, ये मैराथन क्लीन इंदौर, ग्रीन इंदौर के लिए है और यही संदेश देती है, और फिटनेस का मंत्र है कि हम लोग रोज दौड़ें, दौड़ नहीं सके तो वॉक करें। और आज हम लोग भी 10 किलोमीटर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने 21 किलोमीटर में भी किया है, और जो दौड़ नहीं सकते उनके लिए हेरिटेज वॉक है, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। मुझे लगता है कि वास्तव में इंदौर की समृद्धि के लिए, इंदौर की फिटनेस के लिए आज ये दौड़ हो रही है, और इंदौर के सभी निवासी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें, फिटनेस के लिए बहुत ही जरूरी है। पहली खेप 21 किलोमीटर की जो पहली खेप थी वो यहाँ से रवाना हो चुकी है और दूसरी खेप की तैयारी है। प्रदेश के नगरी प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी इस 10 किलोमीटर की मैराथन में भाग लेने यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, काफ़ी मात्रा में यहाँ पर धावकों का जमावड़ा लगा हुआ है, काफ़ी उत्साहित लग रहे हैं लोग। इसमें इस मैराथन में पहली बार भाग लेने वाले लोगों की संख्या काफ़ी अधिक आकी जा रही है। इसमें बुजुर्गों से लेकर तो युवा वर्ग का खासा, युवा वर्ग में इस मैराथन को लेकर खासा उत्साह देखा गया है। और इस दूसरी खेप की रवानगी 7 बजे के करीब यहाँ से रखी गई है, जो कुछ ही देर में ये यहाँ से रवाना हो जाएगी। MPCA प्रेसिडेंट संजय जगताले, ADM सुधीर कोचर और अन्य ने सशुल्क रजिस्ट्रेशन करवाया और दौड़े भी। इंदौर के लिए यह पहला मौका है जब शहर में इतनी बड़ी मैराथन का आयोजन किया गया है, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मैराथन की पल पल की रिपोर्ट पर नजर बनाए रखी हमारे संवाददाता अमन वर्मा ने। स्पोर्ट्स शूज, ऊंचे हौसले और काफी उत्साह के साथ शुरू हुई जियो मैराथन 2015 इंदौर की ताज़ा तरीन शुरुआत हो चुकी है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से धावक पूरी तैयारी के साथ पानी की बॉटल से लेकर अपने कानों में हेडफोन लगाए इस मैराथन में हिस्सा लेने पहुँचे हैं। बुजुर्ग से लेकर जवानों तक और युवाओं ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर इस मैराथन में हिस्सा लिया है। कहते हैं मैराथन एक जगह का नाम है जहाँ पर एथेंस और स्पार्टा के बीच में युद्ध हुआ था, जहाँ से एक मैसेंजर ने मैराथन से लेकर एथेंस तक की दूरी तय की थी। उस दूरी से ही इस मैराथन का नाम पड़ा है मैराथन। वह बिना रुके लगभग 40 किलोमीटर की दूरी बिना रुके उसने वहाँ से तय करके एथेंस पहुँचकर अपने राजा को यह सूचना दी थी कि स्पार्टा हार चुका है। उसी
बातचीत से इंस्पायर्ड होके सन 1896 के लगभग पहली बार ओलंपिक में मैराथन को जगह मिली। और आप देख सकते हैं कि आज कितने बड़े रूप में मैराथन को, दुनिया भर के हर कोने में मैराथन को अपनाया जाता है। स्वच्छ, हेल्दी और ग्रीन ग्रीनरी के लिए मैराथन को बढ़ावा दिया जा रहा है। हर प्रकार से, हर जगह, हर स्टेट, हर देश इसे किसी ना किसी तरीके से बढ़ावा देने की अपनी तरह से ही कोशिश कर रहा है। यहाँ युवाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है। राजनीति से लेकर प्रशासन तक के सभी लोग इस मैराथन में मौजूद है। नगरी प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी इस मैराथन को उन्होंने झंडी दिखाई। वहीं आकाश त्रिपाठी जी भी इस मैराथन में शामिल हुए हैं और साफ साफ तौर पे मैसेज देना चाह रहे हैं कि स्वच्छ इंदौर, हेल्दी इंदौर और ग्रीन इंदौर का एक जो मैसेज है वो साफ तौर से शहरवासी इस मैराथन के जरिए लोगों को देना चाह रहे हैं। कैमरा पर्सन पलाश राठौर के साथ अमन वर्मा, SR मध्य प्रदेश, इंदौर। परदेसीपुरा की पूरी रोड डर्टी थी और ग्रीन इंदौर भी नहीं है, कहीं पर भी छाव नहीं थी कि थोड़ी देर खड़े हो जाए इतनी धूप है। तो मोटिव ऑफ द रेस सेटिस्फाइड नहीं है, तो हो सकता है कि अगले साल जब हम लोग दौड़े तो हमको क्लीनिनेस भी मिले और ग्रीन भी मिले। कहाँ से आए आप? आई एम फ्रॉम हियर, संचार नगर, इंदौर। बहुत प्यारा दिन है और विथ योर परमिशन कैन आई डांस? या ऑलवेज, व्हाई नॉट। कहना चाहेंगे आप इस उम्र में? आप 70 साल की एज भले हो लेकिन 17 साल के युवा शरीर का मस्तिष्क रखें अपना, तो आपकी एज आपको असर नहीं डालेगी। शहर में मैराथन को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। मैराथन में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रविवार होने के कारण लोगों ने परिवार सहित इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पूरे शहर में जगह जगह पर DJ लगाए गए थे। पानी व ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वॉलेंटियर्स ने मिलकर लोगों को पूरा सहयोग किया। वहीं इस मैराथन में 12 साल के बच्चों से लेकर 80 साल तक के लोगों ने हिस्सा लिया। प्रोग्राम टू मेक पीपल अवेयर कि लोग अपने आज के जीवन में जो दिनचर्या बदल गई है उसको वापस कहीं ना कहीं हमें रिव्यू करने की ज़रूरत है। वन, एवरीबडी शुड बी हेल्थ कॉन्शियस एंड दिस इज़ अ रियली ए वेरी इंस्पायरिंग प्रोग्राम। वी थैंक टू द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन टीम। आपसे इंस्पायर्ड होने की ज़रूरत है युवाओं को। अरे बिल्कुल, मैं जवानों को बोलना चाहता हूँ कि अपनी जोश और होश से आगे भी इस तरह इसको कामयाब बनाए। लोगों से हमने जाना कि उनकी क्या उम्मीदें हैं, आगे जाकर क्या लोग इस तरह के कार्यक्रम से जुड़ना चाहेंगे, जानते हैं लोगों की जुबानी। मिनट के अंदर मैंने 5 किलोमीटर वॉक कंप्लीट किया है। आज के दिन जितने लोग मैराथन के अंदर भाग लिया है इतने ही लोग प्रतिदिन अपने स्वास्थ्य के लिए प्रतिदिन ग्राउंड पे आए और अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखें। यहाँ हॉस्पिटल की कमी होना चाहिए और ग्राउंड बढ़ना चाहिए। सभी को जाना चाहिए, बहुत एंजॉय किया। बहुत फैसिलिटीज दी गई, अच्छा लगा। इंदौर मैराथन 2015, हम चाहते हैं हर साल 2016 में भी ये प्रोग्राम होता रहे। और स्वच्छ पर्यावरण के लिए जो रैली का आयोजन किया गया है, मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, ऐसी दौड़ हर महीने हर साल होती रहना चाहिए। लोगों को बहुत एंजॉय रहा, लोगों ने बहुत आनंद किया इस मामले में।